नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन घुसपैठ करेगा तो सेना अब गोली भी चलाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% हुई। अब तक 5,631 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सक्रिय मरीजों की तुलना में 2.5 गुना अधिक हुए स्वस्थ। प्रतिदिन औसतन 200 मरीज कोरोना को दे रहे हैं मात। और मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की घुसपैठ की स्थिति में गोली चलाने की अनुमति दे दी है। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने LAC पर सेना को हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। फील्ड कमांडर को परिस्थिति के अनुरूप फैसले लेने का भी अधिकार दिया गया है। बैठक में सेना के अधिकारियों से जल थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 19% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 5,631 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों से 2.5 गुना अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 200 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर मरीज नियमित जांच और सामान्य दवा से ठीक हो रहे हैं। पटना के NMCH में अब तक मात्र 12 मरीजों को ही वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 162 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,665 हो गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 7 डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। अभी 1,983 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अब तक पटना से सबसे अधिक 411 मामले सामने आए हैं। भागलपुर से 362, सीवान से 355, बेगूसराय से 354, मधुबनी से 324 और रोहतास से 319 मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे कम 56 मामलों की जमुई में पुष्टि हुई है। इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पटना के 4 निजी पैथोलॉजी लैब को कोविड-19 जांच की अनुमति दे दी है। परिषद ने जांच का अधिकतम शुल्क 2,500 रूपये निर्धारित किया है। वहीं घर से नमूने एकत्र करने की स्थिति में 200 रूपये अतिरिक्त देने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए घोषित जीवन बीमा की अवधि सितंबर महीने तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 22 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा करवाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की पहले बुखार जांच के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने बताया कि इसके लिए सभी अस्पतालों में फीवर कॉर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खांसी, सर्दी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की पुष्टि नहीं होने पर ही मरीजों को OPD में भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संधिवात रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को एक दूसरे से संपर्क के समय दूरी बनाए रखने, साफ सफाई और खांसने छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है। वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकेंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि कोविड-19 के मामलों के संदर्भ में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और महामारी की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब
तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। राज्य स्वास्थ्य समिति के 74 कर्मियों को ड्यूटी से गायब रहने के कारण जवाब तलब किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि औचक जांच में इन सभी को बिना सूचना दिए अनुपस्थित पाया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द हैं, जिस कारण ये गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है। प्रदेश में अब सांसद और विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों में दूसरे राज्यों से लौटकर आए कामगारों को काम मिलेगा। योजना और विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला योजना पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के बाद से अब तक 4,67,000 योजनाओं के तहत 7,61,00,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी। शिक्षा विभाग लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासियों के बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का सर्वे कराएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि सर्वे से यह पता चलेगा कि बाहर से लौटे बच्चों का किस कक्षा में नामांकन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सर्वे में टोला सेवकों की मदद ली जाएगी और इसे 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग दिवस के अवसर पर योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया जा रहा है और यह देश भर के 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवा झारखंड उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा जा रही है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बन रही हैं। इधर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस अवधि में सामान्य से दोगुना है। सिर्फ कटिहार में सामान्य से 34% कम बारिश हुई है। 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 100 से 291% तक अधिक बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, पुनपुन और घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि भागलपुर में हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकिनगर बराज से कल गंडक नदी में 1,63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल की तरफ से भी गंडक नदी में लगातार पानी आ रहा है। दूसरी तरफ दरभंगा और मुजफ्फरपुर की नदियों का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी के जलस्तर में 25 सेंटीमीटर तक की कमी आई है। वहीं गायघाट में नदी से हो रहा कटाव अब रुक गया है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पोर्न साइट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को प्रतिबंधित करने की मांग की है। पत्र में श्री कुमार ने कहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस पर सेंसरशिप लागू होनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से अवगत कराने और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश में 1 अगस्त से किसान चौपाल का आयोजन होगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक चौपाल का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की स्थिति यदि नियंत्रण में रही तो पूर्व की तरह चौपाल का आयोजन होगा, नहीं तो इसका आयोजन वर्चुअल माध्यमों से किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय में 24 मार्च तक दायर किए गए सभी मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाई कोर्ट को नियमित रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और अधिवक्ता संघों की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बात को भी लेकर सहमति बनी कि हाई कोर्ट में अब पूर्व की तरह मामलों की फाइलिंग होगी।
प्रदेश के 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने बताया कि अगले महीने से पौधारोपण का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर लंबाई में 50 पौधे लगाए जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में नामांकन के इच्छुक छात्र 1 जुलाई से और 9वीं के लिए 3 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा अगले वर्ष जनवरी और अप्रैल माह में आयोजित होगी। वहीं सैनिक स्कूल में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए 1 अगस्त से जबकि 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए सितम्बर के 3रे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया के थानाध्यक्ष को जब्त शराब छिपाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि निलंबित थानाध्यक्ष की पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन के मड़ुआ डाहा गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद की जांच करने गई पुलिस टीम ने एक पक्ष के 3 लोगों को 5 बम, 1 पिस्तौल और 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के पारो पंचायत के भागलपुरा महादली टोला में तालाब में नहाने के क्रम में 2 बच्चों की मौत हो गयी। वहीं पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जल गोविंद गांव में गंगा नदी में स्नान करने के क्रम में डूबने से 1 बच्चे की मौत की खबर है। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के महाकार गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसौनी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 2 कार और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,282 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,37,196 है, जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। 6ठे योग दिवस और साल के पहले तथा आखिरी सूर्य ग्रहण की खबर को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के नाम संदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, कोरोना ने दुनिया में बढ़ाई योग की अहमियत। आज ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, काम अनुशासन से करना भी योग। हिन्दुस्तान लिखता है, चंद्रमा ने लगभग पूरा ढक लिया तो चमकती अंगूठी की तरह दिखा सूर्य। प्रभात खबर ने भारतीय सेना को दी गई खुली छूट को प्रकाशित करते हुए लिखा है, चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी सेना। दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, कोरोना से जंग में बिहार देश से 19% आगे। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, किसान चौपाल पर 924 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन घुसपैठ करेगा तो सेना अब गोली भी चलाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% हुई। अब तक 5,631 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सक्रिय मरीजों की तुलना में 2.5 गुना अधिक हुए स्वस्थ। प्रतिदिन औसतन 200 मरीज कोरोना को दे रहे हैं मात। और मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।